राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं मोहिनी एकादशी। 2024 में मोहिनी एकादशी कब पड़ रही है? तो ये पड़ रही है 19 मई रविवार के दिन मोहिनी एकादशी है। तो इस दिन जो है ना, आप व्रत करें और भगवान बाके बिहारी के रूप का जो है ना, इस दिन पूजा की जाती है। अगर आपके पास बाके बिहारी की तस्वीर या मूर्ति नहीं है ना, तो आप जो है ना अपने घर में लड्डू गोपाल की केवल पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हम सबके घर में तो लड्डू गोपाल होते ही होते हैं। तो मैं आपको पूजा करके दिखाऊंगी, आपको पारण कब करना है, कैसे क्या क्या दान किया जाता है, किस चीज का महत्व होता है, और मोहिनी एकादशी पर व्रत करने से आपको किन फलों की प्राप्ति होती है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बाके बिहारी की तस्वीर का पूजन करना है। अगर नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को सबसे पहले स्नान जरूर करवाइएगा। तो मैंने एक कांसे की थाली ले ली है, स्वास्तिक बना लिया है, और उसमें थोड़ी सी तिली डालकर और पुष्प डालकर जो है ना, भगवान को सबसे पहले मैं स्नान करवाती हूँ। तो इस मोहिनी एकादशी में जो है ना, गौमूत्र की प्रधानता बहुत है। तो इस दिन जो है ना, आप सुबह सुबह अगर आपके शहर में अगर गौशाला है, तो मूत्र यानी गाय का मूत्र जो है ना, आपको लेकर आना है, क्योंकि इस एकादशी में गौमूत्र ग्रहण जरूर करना चाहिए। जिसने एकादशी का व्रत किया है वो भी गौमूत्र ग्रहण करे, और जिन्होंने एकादशी का व्रत नहीं किया है केवल वो पूजा करते हैं, अगर वो भी गौमूत्र ग्रहण करते हैं तो इससे जो है ना, मन और आत्मा दोनों जो है ना, आपके अंदर से जो है ना, बहुत साफ हो जाते हैं। तो गौमूत्र ग्रहण करने से बहुत फायदे होते हैं। तो आप जो है ना, इस एकादशी में गौमूत्र जो है ना, जरूर ग्रहण करें। सबसे पहले जो है ना, मैंने यहाँ पर शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाया है। इसके बाद पंचामृत में 5 चीजें होती हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, सहज। सबसे मैं स्नान करवाऊंगी, आपको केवल इतना नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। उसके बाद जो है ना, हल्के हल्के हाथों से भगवान को अच्छे से मसाज करूंगी। अगर आप हर एकादशी पर भी अगर आप इस तरह से भगवान को स्नान करवाते हैं ना, आपके भगवान कभी काले पड़ेंगे ही नहीं, और उनमें जो है ना, एक अलग ही चमक आ जाएगी। तो हर एक, वैसे तो देखिए हमें रोज़ करवाना चाहिए, अब रोज़ देखिए सबके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो हर एकादशी पर हो सके तो आप पंचामृत यानी 5 अलग अलग चीज़ों से भगवान को स्नान करवाएं। उसके बाद शुद्ध जल से आपको बढ़िया से भगवान को स्नान करवाना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप भगवान को स्नान करवाते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो आपका अंगूठा जो है ना, उनके शरीर से स्पर्श नहीं होना चाहिए। मेरा कभी कभी किसी वीडियो में स्पर्श हो जाता है, बट आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि सही नहीं रहता है। लेकिन मेरा तो क्या है, जल्दी जल्दी में मुझे थोड़ा कैमरा भी देखना होता है, तो मैं भूल जाती हूँ बार बार, सच बताऊँ, इसलिए हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर ध्यान रख सकते हैं ना, तो अंगूठा कभी भी भगवान से स्पर्श ना कराएं, इसका जो है ना, दोष लगता है। इसके बाद जो है ना, हम भगवान को अंग पोषण करेंगे और इत्र से जो है ना, बढ़िया से मसाज करेंगे। गर्मियों के इत्र जो है ना, मैं भगवान के लिए अलग से लेकर आती हूँ, जैसे कि चंदन का इत्र भी आता है और गुलाब का इत्र बहुत अच्छा आता है। तो उससे मैं भगवान को सबसे पहले मैंने बढ़िया से मसाज की है। इसके बाद जो है ना, हम भगवान को बढ़िया सी नई पोशाक पहनाएंगे। और हाँ, गर्मियों में जो है ना, आप अपने लड्डू गोपाल को अगर पोशाक पहनाते हैं ना, तो कॉटन की पहनाइए, बहुत बढ़िया लगते हैं आपके लड्डू गोपाल। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल ने बिल्कुल आज जो है ना, राधा रानी का रूप रख लिया है। इसके साथ जो है ना, कैप भी आई थी मैंने लगाई, लेकिन मुझे कैप ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो कैप जो है ना, हम निकाल देंगे और वही बस गले में कंठी माला पहना देंगे और छोटी सी बांसुरी उनके हाथों में दे देंगे और हाथों में छोटे छोटे से कंगन पहना देंगे। गर्मियों में जो है ना, मैं लड्डू गोपाल के सिर पर बाल नहीं लगाती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी होती है, हमको भी अपने बालों से जो है ना, थोड़ी सी चिड़न टाइप की होती है, इसलिए मैं भगवान को बाल बिल्कुल भी नहीं लगाती गर्मियों में। मई को है मोहिनी एकादशी और 20 मई को जो है ना, इस एकादशी का पारण किया जाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ समय, सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है ना, पारण का समय है। तो इस समय जो है ना, आप कुछ ना कुछ अन्य जरूर खा लें, वरना फिर पारण का समय जो है ना, निकल जाता है। और एकादशी में पारण का बहुत महत्व है, तो समय का विशेष ध्यान रखें, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। हो सके तो पारण वाले दिन थोड़ा जल्दी उठ जाइए, ताकि आप जो है ना, समय पर पारण कर पाएँ और एकादशी का जो व्रत का फल होता है
है वो आपको पूरा जो है ना मिल पाए। तो यहाँ पर मैंने भगवान को चंदन लगा दिया है। बाकी बिहारी की मेरे पास तस्वीर थी तो इस पूजा में मैंने तस्वीर रख ली है। मोहिनी एकादशी में फलारी मिठाई का भोग लगाया जाता है। मेरे पास अभी फलारी मिठाई नहीं थी तो मैंने यहाँ पर खजूर का भोग लगा दिया है। खजूर भी मिठाइयों में आता है क्योंकि जो लोग ज़्यादा मीठा शक्कर वाला मीठा नहीं खाते हैं ना वो लोग खजूर खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खजूर का भोग लगा दिया है। और हाँ, गौमूत्र इस पूजा में आपको ज़रूर रखना है और गौमूत्र जो है ना पूजा के बाद आपको ज़रूर ग्रहण करना है। तो इस तरह से जो है ना सारी आपको पूजा की तैयारी करनी है। बीच में आपको थोड़ा आवाज़ में डिस्टर्बेंस आई होगी, होता है मतलब घर में, तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ लगा रहता है। बस यहाँ पर करेंगे हम लोग आरती की तैयारी। तो इस तरह से जो है ना आपको साधारण तौर से पूजा की तैयारी करनी है। इसके बाद हाँ, कथा पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने सीते हाथ में थोड़ी सी तिली, एक फूल और हाँ 11 रुपये अपने हाथ में आपको ज़रूर रखने हैं। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी जब हम व्रत करते हैं और उसमें अगर दान पुण्य करते हैं तो उस व्रत का जो प्रभाव होता है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो मोहिनी एकादशी का व्रत करने से आपके सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और सांसारिक जो मोह होता है जो आपको बहुत कुछ करने से जो है ना रोकता है, तो उस मोह से जो है ना आपको मुक्ति मिलती है। क्योंकि हम जो है ना बहुत सारे मोह में जो है ना फंसे हुए होते हैं, इसीलिए मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी को करने से आपके अंदर का जो मोह होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और आप जो है ना अंदर से बहुत स्ट्रांग फील करते हो। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। और हाँ, अपने बच्चों को पूजा में आप ज़रूर बिठा लीजिएगा। जो भी पूजा हो, हर एकादशी की हो या फिर अन्य कोई पूजा हो, अभी तो देखिए स्कूल वगैरह सब लोग सब जो है ना बंद है क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। तो जब भी पूजा करो ना तो अपने बच्चों को अपने साथ ज़रूर बिठा लो ताकि उनके मन में भी जो है ना एक अपने धर्म के प्रति एक जागरूकता और अपने धर्म से जो है ना प्यार उनके अंदर जागृत हो। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं ना वो अपने घर में जो है ना ज़रूर करते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजा की तैयारी करनी है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 19 मई को मोहिनी एकादशी है, इस दिन आप ज़रूर व्रत करें और 20 मई को जो है ना आपको पारण करना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।